योगी जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो पागल हो चुके हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ये भारत उनके बाप की जागीर नहीं है, ये भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। देखिए, सड़क को खाली करना, क्या हम तो प्रोटेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं भाई? हमारा तो ये है कि आप आइए, हमारे दुख दर्द में शामिल होइए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात आप मानिए, और हम अपने घरों पर जाएं, अपना काम काज देखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपना कारोबार आगे बढ़ाएं। हम कब चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करें, सड़कों पर निकल कर आएँ? सरकार क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं सुन रही है, क्यों नहीं हमारे जो मसाइल हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उनका हल पेश कर रही है? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेस्ट को हटाए, हमारी बातें सुने, हमारी मांगों को माने। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब शाहीन बाग की अमित शाह ने कहा कि हम दादियों से बात करने को तैयार हैं, शाहीन बाग की महिलाओं से बात करने को तैयार हैं, जब वहाँ पर महिला जाती है तो पुलिस उन्हें रोक देती है कि अभी साहब जो है, साहब फ्री नहीं है, अभी बात नहीं हो पाई। अब देखिए, अमित शाह साहब जो है वो ये कहते हैं कि प्रोटेस्टर्स खुद हमारे पास चल कर आएँ। एक चीज़ तो ये है, वो नहीं जाएंगे। दूसरी बात, चलिए आप अमित शाह साहब हैं तो हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपके पास जा रहे हैं, लेकिन हमें रास्ते में रोक दिया जाता है। एक तरफ आप नेशनल चैनल पर ये बात कह रहे हैं कि आप आइए, हम आपसे मिलेंगे, और दूसरी तरफ आप जाने नहीं दे रहे हैं लोगों को। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस मानसिकता के हैं और ये चाहते क्या हैं। पूरे देश में इस समय जो है माहौल बना हुआ है शाहीन बाग को लेकर, क्या अब ऐसा लोगों में लगने लगा है कि कहीं उस पर लाठियां चार्ज ना कर दें और शाहीन बाग को खाली ना करवा दें, इस विषय में क्या राय है? देखिए साहब, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये एक आंदोलन है, एक आंदोलन की शक्ल ले चुका है और पूरा देश आज शाहीन बाग हो चुका है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने लाठियों से और गोलियों से रोकने की कोशिश नहीं की है, उसका उदाहरण जीता जागता अभी जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, वो हैं, उसका जीता जागता जो उदाहरण है वो उत्तर प्रदेश के वो 24 नौजवान हैं जिसको गोलियों का शिकार बनाया गया। तो ये तो कोशिश कर चुके हैं हटाने की, लेकिन अब जो जनता सड़कों पर निकली है वो बहुत ही मजबूत इरादे के साथ निकली है। जब तक वो संविधान को सेफ नहीं कर देते हैं, जब तक वो इस काले कानून को वापस नहीं हटवा देते हैं, तब तक वो इनकी लाठियों से, इनकी गोलियों से, इनकी धमकियों से, इनकी भपकियों से डरने वाले नहीं हैं। और लोग अब पूरी तरीके से जहां भी हिंदुस्तान के कोने कोने में बहुत ही मजबूत इरादे के साथ बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि चारों तरफ विकास हुआ है, भाजपा और आरएसएस के नेता लगातार मोहल्ले में कैंपेनिंग कर रहे हैं, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, कह रहे हैं कि हमेशा विकास हुआ पूरे देश में, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं है। नहीं नहीं हम तो कह रहे हैं विकास हुआ है, हमने कब कहा नहीं विकास हुआ है भाई? विकास हुआ तो है, अभी देखिए 144 रुपया सिलेंडर का रेट बढ़ा है, ये विकास हुआ है। बेरोजगारी में विकास हुआ है ना भाई, कितने ज़्यादा तादाद में बेरोजगार लोग हैं, विकास हुआ है। रेलवे बिक गया, ये क्या कम विकास है? एयर इंडिया बिक गया, ये क्या कम विकास है? जेट एयरवेज बिक गया, ये क्या कम विकास है? BSNL बिक गया, ये क्या कम विकास है? और कौन सा विकास चाहते हैं आप? और जो बचा खुचा है वो भी विकास हो जाएगा, परेशान ना होइए। 18 घंटे जो है मोदी जी काम कर रहे हैं और उनके साथ साथ तानाशाह और अमित शाह साहब भी हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम हो रहा है, विकास हो रहा है। तानाशाह अमित शाह समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे? वो है तो वो अमित शाह मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जबान पे बार बार तानाशाह आ जाता है। जो भी काम हो रहे हैं, चाहे NRC लागू हो रहा है, NPR, सब कह रहे हैं संविधान के दायरे में, आप इन चीज़ों से इस्तीफा करते हैं? तो संविधान के दायरे में अगर हो रहा है तो संविधान को क्यों बदलने की ज़रूरत पड़ रही है? नया कानून क्या लाने की ज़रूरत पड़ रही है? जो संविधान में था वही लागू कीजिए ना भाई, नया कानून क्यों ला रहे हैं अगर संविधान में था तो? डोनाल्ड ट्रंप जी आ रहे हैं 24 को, 22 से 24 तक रहेंगे,
और कह रहे हैं कि जो 100 करोड़ की बजट जो झुग्गी झोपड़ी को के लिए जो दीवारें खड़ा कर रहे हैं, ये कहाँ तक न्याय संगत है उनके साथ? देखिए, अब जो भारत की तस्वीर है वो आपके सामने है। मीडिया ने जिसको इन्होंने छुपाना चाहा था, मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरी तरीके से इनको नंगा कर दिया है। गुजरात मॉडल जो इनका था वो आज किस तरह से छुपाया जा रहा है, इनको दीवार खड़ा करने की ज़रूरत पड़ रही है और उसके पीछे वो अपना विकास छुपाना चाह रहे हैं। रही बात 100-200 करोड़ की, भाई साहब यहाँ प्रधानमंत्री जी के ऊपर 50 करोड़ रुपया महीना उनकी सुरक्षा पे खर्च हो रहा है, 600 करोड़ रुपया साल उनकी सुरक्षा पे खर्च हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहां एक प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, वो सेवक जो देश के चौकीदार हैं, वो अपनी सुरक्षा में अगर 600 करोड़ रुपया साल में खर्च कर रहे हैं तो वो कितना विकास कर रहे होंगे देश का, और किस तरह से देश के विकास को, गुजरात के मॉडल को पेश कर रहे हैं जो आज दीवार के जरिए, वो कितना कर रहे हैं वो आपके सामने है। जामिया मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जो पुलिस ने बर्बरता की थी लाइब्रेरी मॉल लाइब्रेरी, वो वीडियो वायरल है, पुलिस ने भी एक वीडियो वायरल किया है जिसमें पथराव किया गया, ये कहां तक मामला है? देखिए, 4 वीडियोस वायरल हो चुके हैं, 5वां भी वीडियो आज सामने दिख ही रहा है। आप उसमें देख सकते हैं कि जो पत्थरबाज हैं उनके हाथों से, जिनके हाथों में पत्थर आप तलाश कर रहे हैं, उनकी कितनी तादाद है। और दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में किस तरह से घुस के दरवाजे को तोड़ कर, किस तरह से CCTV को, कैमरे को तोड़ने की कोशिश हो रही है, और वहाँ पुलिस क्या छुपाना चाहती है। वो पुलिस जो कल तक ये कह रही थी कि हमने कोई लाठी चार्ज किया ही नहीं है, आज जब ये वीडियोस आ रहे हैं सामने, उस पर भी बेगैरती की एक इंतहा है कि चैनल्स पे बैठकर लोग ये कह रहे हैं कि वहां देखिए उनके हाथों में पत्थर दिख रहा था। मतलब ये उनको हक कौन देता है कि आप उन पढ़ने वाले बच्चों को उन दो पत्थर वालों की आड़ में घुस कर इस तरह से बर्बरता के साथ पीटें। एक तरफ तो वो आप CCTV कैमरा जो तोड़ रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ होगा, जितना आ पाया वो तो आया, जो नहीं आया होगा वो कितना भयानक होगा, वो कितनी भयावह स्थिति रही होगी, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनकी जुल्म का, बर्बरियत का, इनके इस दरिंदगी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उस पर भी अमित शाह जी को गैरत नहीं आती है, वो खुलकर चैनल पर बोलते हैं कि मैं पुलिस के साथ हूँ, उन्होंने जो किया वो सही किया। एक तरफ ये आपका चेहरा है जो नफरत से भरा हुआ है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम देश के अंदर माहौल को बहुत अच्छा करना चाहते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी मंशा क्या है, इनके दिल और दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। ये जनता जो आज सड़कों पर उतरी हुई है, ये क्यों उतरी हुई है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। गार्गी कॉलेज में जो लड़की प्रोटेस्ट कर रही थी, जो NRC NPR के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी, उन्हें RSS के लोग या जो NRC के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको टारगेट किया गया गार्गी कॉलेज में घुसकर, खासकर उन लड़कियों को, और कहा गया खुलेआम कि ये यही लड़की हैं जो NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको मारो, इनको, इनके साथ दबाओ, इस तरह की चीज़ें बात कर रहे थे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जब इनको कभी कोई मनसब, कोई ओहदा मिलता है, सरकार में पहुँचते हैं, तो वो अपने अपराध के द्वारा ही सारी चीज़ों को बदलना और रोकना चाहते हैं। गार्गी कॉलेज में जो हुआ वो बहुत निंदनीय है और बहुत बुरा है। ये लोकतंत्र के चेहरे पर एक स्याही है, ये तमाचा है भारतीय लोकतंत्र पर, और ये हुकूमत पूरी तरीके से दरिंदगी पर उतारू है। शायद इसने हिटलर का अंजाम नहीं देखा है, शायद मुसोलिनी का अंजाम नहीं देखा है। अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब जनता इनकी छाती पर चढ़कर इनसे ये जो हुकूमत है वो छीन लेगी। लास्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं अगर आप उत्तर प्रदेश में रहना है तो मतलब हिंदू धर्म को मानना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा, अन्यथा ठोक दो, इन तमाम चीज़ों को, इन शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वहाँ का मुसलमान खतरे में है? योगी जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो पागल हो चुके हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं।
ये भारत उनके बाप की जागीर नहीं है, ये भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है और इसकी कुर्बानी इस पे इसके आज़ादी के लिए हर धर्म हर समाज के लोगों ने कुर्बानी दी है। और ये मतलब कोई इतना साफ टारगेट वो हलवा और पूरी नहीं है जो वो आसानी से खा सकते हैं। जिस दिन इन्होंने ये आज़म और यह हौसला दिखाया और यह कहना शुरू किया तो ये समझ लीजिए कि इनके गले की ये फांस बन जाएगा। और इनको जवाब देने के लिए जो राम जी के भक्त हैं, जो हिंदू लोग हैं, वही इनको बताने के लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि ये देश योगी आदित्यनाथ जी का देश नहीं है, ये उनके मानसिकता वालों का या ये उनका देश नहीं है जो गांधी जी के कातिल हैं। ये देश गांधी जी का है, ये देश नानक का है, ये देश चिश्ती का है, ये देश बिस्मिल का है, ये देश अशफाक का है, जहाँ हर तरह के फूल अपनी खुशबुओं को बिखेर रहे हैं। इसकी एकता अनेकता में जो जो इसका रंग है वो दिख रहा है। अगर ये कोशिश करेंगे तो ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा, ये उनको जान लेना चाहिए। दिल्ली में भाजपा का हाल हुआ, वही बिहार और पश्चिम बंगाल में होने वाला है क्या? बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि ये हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। जितनी भी बातें इन्होंने कही हैं कि हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जितनी भी बातें इन्होंने कही हैं कि महंगाई को हटाओ फला सरकार लाओ ये वो सारी चीज़ें फेल हुई हैं। आज जो है ना भारत विश्व गुरु बन पाया है, ना मेक इन इंडिया का सपना साकार हुआ है, ना बुलेट ट्रेन आई है, ना 100 स्मार्ट सिटियाँ बनी हैं, ना लोगों को रोज़गार मिला है, ना महंगाई ख़त्म हुई है, बल्कि पूरा देश और भी तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है और अंधकार में जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि यदि इसको मतलब यही हालात रहे तो बिहार और यूपी ही क्या बल्कि पूरे मुल्क से इनका सफाया हो जाएगा।